Hello friends, I am Dinkar Nath Mishra, faculty of English, and I am going to explain today adjectives and adverbs. तो आइए हम कुछ important points पर focus करते हैं और there are some points that are relevant to the examination and these are very very important for the competitive students. तो आइए देखते हैं हम पहला point है as dash as and so dash as. वो हम लोग as dash as और so dash as का use कहाँ करते हैं. दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं. तीसरा है लैटिन कंपैरेटिव्स. लैटिन कंपैरेटिव्स क्या है. एडजेक्टिव सुपरलेटिव बाय नेचर क्या है. ओसीएम एमपीटी क्या है. मच एंड मेनी क्या है. वेरी एंड मच क्या है. मच टू एंड टू मच क्या है. तो इन सभी का एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम कुछ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो आइए एडजेक्टिव क्या है. तो एडजेक्टिव के बारे में कहा गया है द वर्ड दैट इज यूज्ड जस्ट बिफोर द नाउन टू क्वालिफाई इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. किसी भी नाउन के पहले इसको क्वालिफाई करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. यानी एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. क्वालिफाई करने का मतलब, क्वालिफाई करने का मतलब उसकी विशेषता बतलाना, वो कैसा है. यदि हम लिखते हैं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो यहां गुड जो है बॉय को क्वालिफाई कर रहा है. बॉय जो है सो नाउन है और गुड जो है सो एडजेक्टिव है. तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए गुड जो आया है वह है वो एडजेक्टिव हो गया. एडवर्ब क्या है. एडवर्ब जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, जो वर्ब को क्वालिफाई करे और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे. ये किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है. एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है. तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला भी एडवर्ब कहलाया, वर्ब को भी क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाया और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाया. फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिखते हैं ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, तो यहां हम देख रहे हैं कि यह फास्ट वर्ड जो है ये आ रहा है रनिंग के लिए. रनिंग जो है सो वी फोर है और वर्ब है. तो वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए फास्ट यहां पर आया है और वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं. तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं. जैसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं एज डैश एज को लेकर के, तो किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं थोड़ा देखा जाए. क्वेश्चंस जो आते हैं एज डैश एज एंड सो डैश एज, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि एज डैश एज और सो डैश एज ये दोनों ब्लैंक्स में यदि कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा. पीडी मींस पॉजिटिव डिग्री. यहां भी जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा. एज डैश एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं सिर्फ. और सो डैश एज का प्रयोग जो है वो सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. इसका प्रयोग ओनली इन निगेटिव सेंटेंसेज, ओनली इन निगेटिव सेंटेंसेज, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही इज एज बेटर एज मोहन, तो ही इज एज बेटर एज मोहन रॉन्ग हो गया. इसलिए कि एज डैश एज जैसे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है और बेटर जो है सो कंपैरेटिव डिग्री है. तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, गुड. हम जानते हैं कि गुड का पॉजिटिव डिग्री बेटर होता है, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट. तो ही इज एज बेटर एज मोहन नहीं होगा, ही इज एज गुड एज मोहन होगा. यदि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें ही इज सो गुड एज मोहन, तो यह सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग होगा. क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि सो डैश एज में हम पॉजिटिव डिग्री तो यूज करते हैं लेकिन सो डैश एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस के लिए होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में ये नहीं आता है. तो इस सेंटेंस को सुधारने के लिए या तो हम सो को एज में कन्वर्ट कर देंगे और या तो फिर हम इस सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे. तो ही इज सो गुड एज मोहन के जगह पर या तो ही इज एज गुड एज मोहन होगा या ही इज नॉट सो गुड, नॉट सो गुड एज मोहन होगा. ही इज नॉट सो गुड एज मोहन होगा. इस तरह से यदि हम लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा
करेक्ट हो जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, यानी अलॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री हम जानते हैं कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स है, बैड वर्स वर्स्ट, गुड बेटर वेस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ये सभी पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं थोड़ा एक बार हम लोग देखें। तो कंपैरेटिव डिग्री को पहले हम लोग लेते हैं, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री को लेंगे। एक क्वेश्चन है, ही इज मोर बेटर देन मोहन, ही इज मोर बेटर देन मोहन, वह मोहन से ज्यादा अच्छा है। यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए हो गया कि बेटर जो है यह खुद गुड का कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी जो है मच का कंपैरेटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट। एक ही एडजेक्टिव को हम दोनों तरीके से कंपैरेटिव नहीं बना सकते। कंपैरेटिव जनरली हम लोग दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो एडजेक्टिव में ईआर लगा लेते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है कंपैरेटिव, और दूसरा जिसमें ईआर नहीं लगता है उसमें जनरली मोर लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, तो ये सभी हुआ। और गुड बेटर बेस्ट ईआर लगा हुआ है, कूल कूलर कूलेस्ट ईआर लगा हुआ है कूलर में, हाई हायर हाईएस्ट हायर में ईआर लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें मोर को हटाना पड़ेगा, यानी डबल कंपैरेटिव कहने का मतलब एक ही एडजेक्टिव को दोनों तरीके से हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते, ईआर लगा करके भी और मोर लगा करके भी, यह गलत हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ही इज बेटर देन मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज मोस्ट बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस सेंटेंस में भी हम देखते हैं बेस्ट जो है सो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट से भी हम लोग सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से डबल कंपैरेटिव नहीं होगा उसी तरह से डबल सुपरलेटिव नहीं होगा। तो यहां पर हम लोगों को ही इज द मोस्ट बेस्ट में मोस्ट को काटना पड़ेगा, सिर्फ होगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यानी कहने का मतलब यह है डबल कंपैरेटिव अथवा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग वर्जित है। हम डबल कंपैरेटिव अथवा डबल सुपरलेटिव कहने का मतलब एक ही एडजेक्टिव को दोनों तरीके से कंपैरेटिव अथवा दोनों तरीके से सुपरलेटिव नहीं बना सकते। तो यह सेंटेंस जो लिखा हुआ ही इज द मोस्ट बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मोस्ट कट करके ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ही इज द बेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, ही इज द बेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। इससे इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है वो दोनों भाइयों में से सबसे अच्छा है। तो हम जानते हैं कि जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच कंपैरिजन किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग नहीं करते, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो भाइयों के बीच कंपैरिजन किया गया है और दो भाइयों के बीच कंपैरिजन हुआ इसलिए यहां पर बेस्ट नहीं होगा, ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहां बेस्ट नहीं होगा बेटर होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो के लिए और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक के लिए। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आता है, ही इज द बेटर बेटर ऑफ द फोर ब्रदर्स, ऑफ द फोर ब्रदर्स। तो ही इज द बेटर ऑफ द फोर ब्रदर्स, यानी वह चारों भाइयों में से अच्छा है। तो ही इज द बेटर ऑफ द फोर ब्रदर्स, यहां चार भाइयों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है और दो से अधिक के बीच जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, इसलिए बेटर के जगह पर होगा यहां पर बेस्ट, ही इज द बेस्ट ऑफ द फोर ब्रदर्स। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित। He is junior than श्याम, वह श्याम से जूनियर है, वह श्याम से अच्छा है तो he is better than श्याम, लेकिन वह श्याम से जूनियर है तो he is junior than श्याम, लेकिन नहीं, ये junior than श्याम यहां पर than जो है सो wrong है। He is better than श्याम सही है, यदि हम लिखते हैं कि वह श्याम से अच्छा है तो he is better than श्याम, ही इज बेटर देन श्याम, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट है, लेकिन ही इज जूनियर देन श्याम यदि हम लिखते हैं तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये
जो है जूनियर, ये जो जूनियर है ये जूनियर भी कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ये ऐसा कंपैरेटिव डिग्री है जो लैटिन लैंग्वेज से आकर के डायरेक्ट इंग्लिश में आ गया है। और इस तरह के जो कंपैरेटिव, ये इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, ये लैटिन लैंग्वेज से आए हुए हैं और डायरेक्ट इंग्लिश में मिल गए हैं। इनके पहचान की तरीका है कि उसमें ओ आर लगा रहता है। और इस तरह के लैटिन कंपैरेटिव्स जितने भी हैं उनके साथ हम लोग दैन नहीं लगा करके टू लगाते हैं। एक और एक चीज और, हम तो गुड से बेटर बनाते हैं, यानी कहने का मतलब कि बेटर जो है सो गुड से बना, कूलर जो है सो कूल से बना, लेकिन जूनियर किसी से नहीं बना। जूनियर वर्ड ही ऐसा है जो अपने आप में कंपैरेटिव सेंस रखता है। और इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे वो अपने साथ टू रखेंगे, देन नहीं। इस तरह के कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं, इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टेरियर, एंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर एट्सेट्रा। तो ये सभी जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये सभी कंपैरेटिव बाय नेचर हैं, ये अपने आप में कंपैरेटिव हैं। ये लैटिन कंपैरेटिव भी कहे जाते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज से आकर के इंग्लिश में मिले हैं। और इनके साथ हम लोग देन नहीं लगाते, इनके साथ हम लोग लगाते हैं टू। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट्स ऑफन गेट कन्फ्यूज वैल यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द वेदर ऑफ पटना is comparatively hotter today. Comparatively hotter today. The condition of the patient is comparatively better today. Comparatively better today. हम लोग बोलचाल के लैंग्वेज में बोलते हैं कि आज का वेदर जो है कंपैरेटिवली हॉटर है, उसकी स्थिति जो है आज कंपैरेटिवली बेटर है। तो दोस्तों कंपैरेटिवली एक ऐसा वर्ड है, कंपैरेटिवली एक ऐसा एडवर्ब है जिसके पास, जिसके बाद जब कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री का नहीं होगा, वो पॉजिटिव डिग्री का होगा। द वेदर ऑफ पटना इज कंपैरेटिवली हॉटर टूडे, नहीं, कंपैरेटिवली हॉट टूडे। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टूडे, नहीं, कंपैरेटिवली गुड टूडे। क्योंकि कंपैरेटिवली रूल है कि कंपैरेटिवली के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री का होगा, एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, एडजेक्टिव सुपरलेटिव बाय नेचर। जिस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव बाय नेचर होते हैं उसी तरह से कुछ एडजेक्टिव सुपरलेटिव बाय नेचर होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब उस फील्ड में उसके जैसा कोई नहीं, बेस्ट का मतलब उसके जैसा, उससे अच्छा कोई नहीं, हाईएस्ट का मतलब उससे ऊंचा कोई नहीं, कूलेस्ट का मतलब उससे ठंडा कोई नहीं। तो सुपरलेटिव सेंस का मतलब होता है कि उस फील्ड में उस चीज जैसा, उस व्यक्ति जैसा कोई नहीं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं सुपरलेटिव बाय नेचर के। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो सुपरलेटिव बाय नेचर होते हैं, वो अपने आप में सुपरलेटिव है, कूलेस्ट कूल से बना है, हाईएस्ट हाई से बना है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हैं ही सुपरलेटिव, बाय नेचर ही वो सुपरलेटिव है। जैसे यूनिक जो है सो सुपरलेटिव बाय नेचर है, वो किसी से बने नहीं है, लेकिन यूनिक का मतलब ही होता है उसके जैसा कोई नहीं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सुपरलेटिव बाय नेचर हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, डॉक्टर डी के सिंह इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, द मोस्ट यूनिक पर्सन
इन आवर विलेज, इन आवर विलेज. डॉक्टर डी के सिंह इज द मोस्ट यूनिक पर्सन इन माई इन आवर विलेज. तो डॉक्टर डी के सिंह इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, यहां जो मोस्ट यूनिक पर्सन जो लिखा हुआ है यहां मोस्ट नहीं होगा, सीधे होगा डॉक्टर डी के सिंह इज अ यूनिक पर्सन इन माई विलेज. क्यों ऐसा होगा? ये रॉन्ग इसलिए हो गया कि यूनिक जो है अपने आप में सुपरलेटिव बाय नेचर है, और सुपरलेटिव बाय नेचर रहने के कारण जो है इसमें मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा. तो कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सुपरलेटिव बाय नेचर हैं? इस तरह के सुपरलेटिव बाय नेचर वाले हैं यूनिक, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, डेड, परफेक्ट, सुप्रीम, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ऑनेस्ट एटसेट्रा, एब्सोल्यूट एटसेट्रा. तो ये सभी ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम लोग मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, इनको हम लोग सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये है ही सुपरलेटिव. इनका कंपेरेटिव भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये बाय नेचर सुपरलेटिव है. तो इस तरह के एडजेक्टिव्स जो हैं वो न तो मोर रखेंगे और न तो मोस्ट रखेंगे, और यदि जहां मिल जाए इस तरह का तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ओसीएम एंड एमपीटी. ओसीएम क्या है, एमपीटी क्या है, थोड़ा एक बार हम लोग ध्यान दें. ओसीएम, ओ का मतलब होता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर. सी का मतलब होगा कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर. और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेटिव नंबर, मल्टीप्लीकेटिव नंबर. तो ऑर्डिनल नंबर में आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन सभी को ऑर्डिनल नंबर कहते हैं. कार्डिनल नंबर में आता है वन टू थ्री एटसेट्रा. मल्टीप्लीकेटिव नंबर में आता है सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल एटसेट्रा. तो ओसीएम क्या है? तो यदि किसी सेंटेंस में तीनों प्रकार के नंबर एक साथ आ जाएं, ऑर्डिनल भी, कार्डिनल भी और मल्टीप्लीकेटिव भी, तीनों प्रकार के नंबर यदि किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो उनका सही सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस के लिए ये वाला पॉइंट दिया गया है. ये सीक्वेंस उनका जो होगा ओसीएम होगा. ये जो उस ओसीएम है वो सीक्वेंस बताता है, यानी तीनों तरह के नंबर यदि एक साथ आ जाए तो पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लीकेटिव. और यदि तीनों में से कोई दो ही आए, कोई एक नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं. यदि मान लीजिए ऑर्डिनल नहीं आया तो पहले कार्डिनल तब मल्टीप्लीकेटिव, कार्डिनल नहीं आया तो ऑर्डिनल और तब मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव नहीं है तो ऑर्डिनल तब कम्प्लीकेट तब कार्डिनल. तो देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इस पर. एक सेंटेंस है, आई हैव सॉल्व्ड द थ्री फर्स्ट क्वेश्चंस, द थ्री फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश. तो आई हैव सॉल्व द थ्री फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, ये आपका रॉन्ग हो गया. कैसे रॉन्ग हुआ? तो देखते हैं यहां पर कि आई हैव सॉल्व द थ्री फर्स्ट क्वेश्चंस में थ्री कार्डिनल नंबर है और फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है. इसका सीक्वेंस देख रहे हैं कि हो गया सीओ. अब होना क्या चाहिए था सीक्वेंस ओसीएम में? ओसी, पहले ऑर्डिनल तब कार्डिनल. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थ्री के जगह पर फर्स्ट और फर्स्ट के जगह पर थ्री. तो यदि हम लिखते हैं इसको आई हैव सॉल्व द फर्स्ट थ्री क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, तो दैट विल बी राइट, दैट विल बी करेक्ट. तो आई हैव सॉल्व द फर्स्ट थ्री क्वेश्चन सही होगा. एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई लिव इन द फर्स्ट, आई लिव इन द थ्री फर्स्ट सिंगल रूम्स ऑफ दैट बिल्डिंग. मैं उस बिल्डिंग के पहले तीन कमरों में रहता हूं, यानी बिल्डिंग का पहला तीन कमरा जो है वो मैंने रेंट पर ले रखा है. तो आई लिव इन द थ्री फर्स्ट सिंगल रूम्स. थ्री जो है सो कार्डिनल हो गया, फर्स्ट ऑर्डिनल हो गया, सिंगल मल्टीप्लीकेटिव हो गया, तो हो गया सी ओ एम. अब होना क्या चाहिए हमारा सीक्वेंस ओ सी एम, यानी थ्री के जगह पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट,
और फर्स्ट के जगह पर क्या होना चाहिए, थ्री, और सिंगल तो सही प्लेस पर है, तो यहां पर सही सेंटेंस होगा आई लिव इन द फर्स्ट थ्री सिंगल रूम्स ऑफ दैट बिल्डिंग। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं और आप लोगों को इस पर फोकस करना होगा। तो हम लोग देखते हैं अब एमपीटी में हम लोग चलते हैं, एमपीटी क्या है थोड़ा देखा जाए। एमपीटी, एमपीटी क्या है, एम का मतलब हुआ, एम का मतलब हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। पी का मतलब हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड टी का मतलब हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बता दिया था कि एडवर्ब किसको कहते हैं, तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो यहां पर देखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इन तीनों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, पहले ये देखें हम लोग, एडवर्ब ऑफ मैनर वह एडवर्ब है जो किसी भी कार्य के करने का तरीका बताता है, किसी भी कार्य के होने का तरीका बताता है कि वो काम होता किस प्रकार से है, तो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि कोई काम होने का स्थान कहाँ है, किस जगह पर कोई काम होता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि कोई काम होने का समय क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिखते हैं कि ही रन्स फास्ट, तो ही रन्स फास्ट में यदि हम फास्ट को हटा दें, सिर्फ लिखते हैं कि ही रन्स, वह दौड़ता है, तो उससे पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे दौड़ता है, उसका मैनर क्या है, क्या तरीका है दौड़ने का, वो पता नहीं चल पाता है। लेकिन यदि हम फास्ट लिखते हैं, इससे पता चल रहा है कि उसके दौड़ने का तरीका क्या है, उसके दौड़ने का तरीका फास्ट है। तो फास्ट जो है सो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, द काउ इज grazing in the field, the cow is grazing in the field। यदि पूछा जाए गाय चर रही है तो कहां चर रही है, तो in the field, सिर्फ field नहीं होगा, in the field। ये in the field ये पूरा का पूरा एक phrase है, और वो phrase जो है वो adverb का काम कर रहा है, क्योंकि graze करने के स्थान को बता रहा है कि गाय चर कहां रही है, तो field में कर रही है, में चर रही है। तो in the field जो है ये आपका हो गया adverb of place, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, किसी काम के होने का समय बताता है। यदि हम लिखते हैं द स्टूडेंट्स रीड एट नाइट, विद्यार्थी रात में पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी कब पढ़ते हैं, तो रात में पढ़ते हैं। तो एट नाइट जो है वो पढ़ने के समय को बता रहा है, रीड जो है सो हमारा वर्ब है, और इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कौन, एट नाइट, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। और ये किस प्रकार का एडवर्ब है, जो काम के समय को बता रहा है कि वो काम होता कब है, तो एट नाइट जो है ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब ये देखिए एमपीटी में हम क्या पढ़ेंगे, एमपीटी में पढ़ना हमको ये है कि यदि किसी सेंटेंस में तीनों एडवर्ब एक साथ आ जाए तो उनका सिक्वेंस क्या होगा, तो उनका सिक्वेंस ओसीएम की तरह एमपीटी होगा, पहले मैनर तो फिर प्लेस, उसके बाद टाइम, यानी पहले मैनर होगा तब प्लेस होगा और तब टाइम होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, शी सैंग हेयर ब्यूटीफुल्ली यस्टरडे, ब्यूटीफुल्ली यस्टरडे, उसने कल यहां अच्छा गाया, तो शी हो गया सब्जेक्ट, सैंग हो गया वर्ब, उसने गाया कहां गाया, तो यहां गाया एडवर्ब ऑफ प्लेस, कैसा गाया तो सुंदर गाया एडवर्ब ऑफ मैनर, कब गाया तो कल गाया तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमारा सीक्वेंस हो गया पी एम टी, और होना क्या चाहिए एम पी टी। तो यहां पर क्या हो गया, शी सैंग, तो यहां होना चाहिए पहले ब्यूटीफुल्ली, तब यहां होना चाहिए हेयर, और यस्टरडे जो है सो सही जगह पर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मच एंड मेनी। Much and many। तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं कि जहां मच आना चाहिए वहां मेनी डाल देता है, जहां मेनी आना चाहिए वहां मच डाल देता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर यह कहने का मतलब मेरा यह है कि मच का अर्थ भी बहुत और मेनी का अर्थ भी बहुत, बट वेयर शुड वी यूज मच एंड वेयर शुड वी यूज मेनी। तो मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि हमको बहुत का सेंस देना हो तो हम मच डालेंगे, और मेनी जो है
countable noun के पहले, वो भी किस प्रकार का countable noun, plural countable noun के पहले जो है many आता है और uncountable noun के पहले much आता है. यदि हम लोग बोलते हैं there is many water in the pond, तालाब में बहुत पानी है, तो there is many water in the pond. तो यहां many जो आया हुआ है वो water के साथ आया हुआ है. water जो है सो noun हो गया, many adjective हो गया. तो water जो है ये uncountable noun है और uncountable noun के साथ हम लोग many नहीं लगाते, क्या लगाएंगे, much. तो there is much water in the pond. और एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, there are much students in this institute, in this institute. So there are much students in the institute. So here students jo hai so countable noun hai, ye plural countable noun hai, student countable noun aur students plural countable noun. So plural countable noun ke sath hum log much nahi lagate, iske sath hum log kya lagate, many lagate. To is prakar se exam mein bahut sare questions aate hain. Next point par hum log chalte hain, very and much. Very and much. अब very and much का देखिए, यहां very और much दोनों जो है सो एडवर्ब के रूप में, दोनों में डिफरेंस बताया जाएगा कि very एडवर्ब के रूप में कहां यूज होता है और much एडवर्ब के रूप में कहां यूज होता है, क्या डिफरेंसेस है. और दोनों की हिंदी भी बहुत ही होती है, तो very मतलब ही बहुत और much मतलब ही बहुत, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो थोड़ा हम लोग देखते हैं. पहला डिफरेंस ये है कि very का यूज जो है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा, पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के साथ हम लोग very लगाते हैं. अब मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के साथ होगा. पहला डिफरेंस तो ये हो गया. जैसे देखिए, यदि हमको लिखना है ही इज, वो एक बहुत अच्छा लड़का, ही इज अ वेरी गुड बॉय हम लिखें या ही इज अ मच गुड बॉय लिखें, क्या होना चाहिए. तो हम देख रहे हैं कि वेरी या मच का यूज किसके लिए हो रहा है, गुड के लिए. गुड क्या है भाई, पॉजिटिव डिग्री है. अब पॉजिटिव डिग्री के साथ हम लोग मच नहीं लगाते, क्या लगाते, वेरी लगाते, इसलिए ही इज अ वेरी गुड बॉय. और मच जो है सो कंपैरेटिव डिग्री के लिए होगा. जैसे यदि हमको लिखना है ही इज वेरी और मच बेटर देन मोहन, बेटर देन मोहन, वह मोहन से बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ही इज वेरी बेटर देन मोहन की मच बेटर देन मोहन. तो ये वेरी और मच जो है सो आ रहा है बेटर के लिए, और बेटर जो है सो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग वेरी नहीं लगाते, मच लगाते हैं. दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि वेरी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लगता है. पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, v4 v1 प्लस ing, यानी वर्ब के चौथे फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और जेरंड भी कहते हैं. और मच जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हो गया, v3, v3 को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. तो v4 के पहले यानी v1 प्लस ing के पहले यदि हमको बहुत का सेंस देना हो तो हम लोग वेरी डालेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल यानी v3 के पहले यदि हमको बहुत का सेंस देना हो तो हम मस्ट डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिखते हैं द स्टोरी इज वेरी और मच इंटरेस्टिंग, तो हम यहां देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग में इंटरेस्ट में आईएनजी लगा हुआ है, जो इंटरेस्टिंग हो गया, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वेरी. तो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग होना चाहिए या द स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग होगा, मच इंटरेस्टिंग नहीं होगा. यदि हम लिखते हैं आई वॉच वेरी और मच इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड जो है यहां पर v3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, इंटरेस्ट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, ये v3 है पास्ट पार्टिसिपल. अब पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम लोग वेरी नहीं लगाते, मच लगाते, तो यहां पर क्या होगा, आई वॉज मच इंटरेस्टेड न कि वेरी इंटरेस्टेड. इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, कुछ ऐसे v3 हैं जिनके साथ हम लोग वेरी नहीं, जिनके साथ हम लोग मच नहीं लगा करके वेरी लगाते हैं. तो उसको देखिए कौन कौन से ऐसे हैं. तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे v3 हैं, कुछ ऐसे v3 हैं यानी पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग
मच वेरी लगाते हैं, मच नहीं लगाते, यानी वेरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल भी थ्री। ऐसे कौन कौन है? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड भी थ्री है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यदि हमको लिखना हो वेरी सेटिस्फाइड या मच सेटिस्फाइड तो क्या प्रेफर करेंगे? वेरी सेटिस्फाइड। कंटेंडेड, कंटेंडेड मतलब क्या होता है? संतुष्ट, तो वेरी कंटेंडेड के मच कंटेंडेड, वेरी कंटेंडेड। डिजेक्टेड, खिन मायूस, तो वेरी डिजेक्टेड के मच डिजेक्टेड, वेरी डिजेक्टेड। यदि हमको लिखना है टायर्ड, तो वेरी वेरी टायर्ड के मच टायर्ड, तो वेरी टायर्ड। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, तो वेरी डिसअपॉइंटेड कि मच डिसअपॉइंटेड, तो वेरी डिसअपॉइंटेड। तो ये सभी जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग अब चलें मच टू एंड टू मच में, मच टू एंड टू मच। मच टू का मतलब ही बहुत ज्यादा, टू मच का मतलब ही बहुत ज्यादा, लेकिन कहां मच टू लगाएंगे, कहां टू मच लगाएंगे? मच टू जो है, मच टू ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब रहने के कारण ये एडजेक्टिव के पहले लगेंगे, और टू मच जो है ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो इसके बाद जो नाउन आएगा, उसके बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा। यानी कहने का मतलब नाउन के पहले टू मच और एडजेक्टिव के पहले मच टू, ऐसा इसलिए कि मच टू एडवर्ब है और टू मच एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। और ये मच टू और टू मच दोनों जो है वो निगेटिव सेंस में आएंगे। निगेटिव सेंस कहने मतलब बैड सेंस, बैड सेंस में उनका प्रयोग किया जाएगा, गुड सेंस में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वह काफी घमंडी है, शी इज मच टू और टू मच प्राउड। अब देखिए शी इज मच टू और टू मच प्राउड, तो प्राउड वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब मच टू है कि टू मच है? तो जैसा कि हम देखें मच टू एडवर्ब है, टू मच एडजेक्टिव है, हमको तो एडवर्ब चाहिए। इसका मतलब है कि शी इज मच टू प्राउड, टू मच प्राउड नहीं होगा। और यदि हम बोलते हैं कि उसके पास काफी घमंड है, तब देखिए शी हैज मच टू और टू मच प्राइड। अब देखिए प्राउड और प्राइड में यहां क्या डिफरेंस है? प्राउड जो है सो एडजेक्टिव है, अब प्राइड जो है सो नाउन है। प्राइड का मतलब घमंड, अब प्राउड का मतलब घमंडी, तो प्राउड जो है ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव में मस्ट टू है कि टू मच, तो टू मच। तो यहां पर सी हैज मस्ट टू प्राइड नहीं, सी हैज टू मच प्राइड, तो मस्ट टू क्या होगा? कट जाएगा हमारा। तो दोस्तों कुछ पार्ट्स एडवर्ब्स के अगले एपिसोड में होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। थैंक यू।